जाइए जल्दी जल्दी लाइव। बहुत वेट करा दिया आपको, 5 बजे का टाइम था। अभी क्या हो रहा है, 5:38। कुछ टेक्निकल इश्यू थे, इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। थोड़ा ठंडी, बहुत ज़्यादा परेशान थे आप लोगों से मिलने के लिए। स्टार्ट हो गए। हेलो हेलो, हाय, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं आ गया, मैं आ गया, हिमांशु। हिमांशु, अच्छा हिमांशु भी ऑनलाइन है। ओह थैंक यू, बिग फैन। ये कौन है? वंस गेमर टीवी, हर्ष अरोरा। हेलो ब्रदर, क्या हुआ? वो बताते हैं थोड़ी सी, जो हुआ है वो बताते हैं जल्दी आपको। ये कौन है? डॉग अल्टीमेट, डॉग अल्टीमेट। हेलो हेलो, सिचुएशन शुभम गोंडा। हेलो जीपीएम। हेलो शुभम, फाइन फाइन। हेलो तेलंगाना से हैं राकेश भाई। हेलो हाय शुभम भाई, तो बताओ इन्हें, सिचुएशन एक्सप्लेन करो थोड़ी। कल से जैसा कि आपको देख पा रहे होंगे आप लोग कि हमारा चैनल हैक हो चुका था और जीमेल पासवर्ड, तो थोड़ी सी मुस्कान देख पा रहे हैं इसी वजह से कि आप लोगों से मिल पाए। तो किसी ने हैक कर लिया था। आजकल ये यूट्यूब पे बहुत होता है, जो बड़े चैनल अगर पहुंच जाते हैं तो लोग अधिकतर उनको जो साइबर क्राइम वाले हैं, हैकर हैं, वो हैक करते हैं और अपना कुछ भी उनका मोटिव क्या होता है। बट थैंक्स बोलना चाहेंगे सबसे पहले हम यूट्यूब को और गूगल को, जो इतना सपोर्ट किया पूरी टीम को, और इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा बीच में इनका भी रहा है, मीडिया क्यूब का भी रहा है। नहीं आपका भी है, आपके बिना तो नहीं। नहीं आपका भी है, क्योंकि पूरी रात सबसे ज़्यादा जैसे साहिल ने जाग के जितनी मेहनत की है ना, मैं पूरे सिचुएशन तो पता ही है साहिल को कैसे क्या कंडीशन में था घर में। कल से ज़्यादा डिस्टर्ब तो वैसे ही था, काफ़ी दिनों से चल रहा हूँ, इस वजह से वीडियोस भी नहीं आ पा रही थी हमारी काफ़ी टाइम से। तो प्रॉब्लम तो पता ही है साहिल जी आपको, क्या था कुछ फैमिली इशूज, कल रात हॉस्पिटलाइज थे हम लोग। तो मैं नहीं, मतलब मेरी फैमिली में मेरी वाइफ, तो जस्ट वेट, ठीक है थोड़ा अपनी तरफ कर लीजिए थोड़ा सा ऐसे। व्हाट्सएप नंबर आप ना हमें जो वीडियो से निकाल लीजिए, हमारा नंबर वहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है? हम यूपी से हैं, ये पूछ रहे हैं मिस्टर राजू। राजू यूपी उत्तर प्रदेश, मतलब यूपी उत्तर प्रदेश बरेली, उत्तर प्रदेश बरेली से। व्हाट्सएप नंबर ब्रो आपको वहीं मिलेगा, ठीक है? डॉग अल्टीमेट ने बोला है हैकर को ब्रो हाथ मत लगाना। हमें पता है आप लोग बहुत प्यार करते हैं हमसे, इसी वजह से हम लोग वापस भी आ गए हैं, कैसे ना कैसे करके चैनल को वापस लेके आए हैं। और फिलहाल सोचा था कि लाइव आते हैं और आपसे फिर बात करते हैं, थोड़ी बड़ा अच्छा लग रहा है मिलके। और तब हमें पता चला कि कितना प्यार करते हो आप लोग, जो आपने वहाँ भी कमेंट्स किए हैं बहुत सारे, हाँ, अभी हम देख पा रहे हैं जिन्होंने हैकर ने जो स्ट्रीमिंग कर रखी थी उसमें आपने कमेंट किया था और हम आराम से देख रहे थे उसकी स्ट्रीमिंग, आराम से सुनी है, मतलब अंदर से बेचैन थे और हम कुछ कर नहीं पा रहे थे, बस देख रहे थे। आप तीन तो कुछ नहीं पा रहे थे, थोड़ा सा ठीक है चलेगा, इट्स ऑल राइट। ओ नेहा श्रीवास्तव बाबू, हम करते हैं ना।
आप वीडियोस रेगुलर लाओ, आपको वीडियोस देखने एक काम करो आप, अगर आप रेगुलर बेस पर देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने दो चैनल के लिंक दिए हैं, उस पर जाकर दोनों को सब्सक्राइब कर लेना। वो डेली व्लॉग्स हमने चालू कर दिए, हम लोगों ने पर्सनल वीडियोस का भी व्लॉग चालू किया है, जैसे कि हम डेली आपको पर्सनल क्या लाइफ रूटीन रहता है, कैसे मैं ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ, क्या नया मिलता है, या फिर जो भी पर्सनल लाइफ में चल रहा है वो मैं बताऊँगा वहाँ SNN व्लॉग, उसमें मेरा और नेहा का, अभी आपने जमीन पड़ा हुआ मेरी वाइफ, तो उनके साथ जो भी पूरा अपना डेली रूटीन बताऊँगा आपको। और दूसरा है साहिल का डिवाइन यूट्यूबर वीडियो, तो वो उस पर जरूर दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप हमसे पर्सनली भी जुड़े रह सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, अभी क्या है ब्रो, रियल में क्या हुआ था ब्रो, बताते हैं आते हैं उस स्टोरी पे जो हैक हो गया था चैनल, वही बताएंगे। पूरी स्टोरी देखने तो मेरे डिवाइन चैनल पे भी आने वाली है और SNN व्लॉग्स पे भी, दोनों पे मैंने प्रॉपर डन। ओके थैंक यू। तो वो जो चैनल दोनों सब्सक्राइब आप कर लेंगे तो हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता पाएंगे, या फिर अपनी जर्नी जो भी हम लोग बताने की कोशिश करते रहेंगे। यहाँ क्या होता है, इस चैनल पे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो सबके रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है, बट क्या है मोस्टली हम करते हैं, और जब पर्सनल आप भेजेंगे किसी को तो वहाँ पे हम आपको रेगुलर रिप्लाई भी करते रहेंगे, पर्सनली भी अगर आप पूछेंगे वहाँ पे तो हम बताएंगे आपको सेम रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि हमारी पब्लिक कि आप पर्सनल बिलाव वाले चैनल पर कुछ पूछेंगे तो हम रिप्लाई नहीं करेंगे। हाँ तो यार हम लोग आप बस उस डिस्क्रिप्शन में जाओ, एक बार दोनों लिंक देख लेना डिस्क्रिप्शन, और जल्दी से दोनों को सब्सक्राइब कर लेना, फिर उस वाले पे भी हम कनेक्ट रहेंगे और स्मार्ट डॉग ट्रेनिंग पे भी हम लोग कनेक्ट। और हमारे स्मार्ट डॉग ट्रेनिंग के इंस्टा और फेसबुक को भी आप अभी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर अंकित भाई का सवाल है, डॉग ट्रेनर कैसे बन सकते हैं, इसमें इनकम का स्कोप है क्या? जी बिल्कुल, आप बन सकते हो प्रोफेशनल डॉग ट्रेनर बन सकते हो हमारी, नो प्रॉब्लम आंटी, आप आप करिए, वो खैरिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिस्टर्ब नहीं होने वाला, सब अपनी फैमिली है। डॉग अल्टीमेट को थोड़ा ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। हाँ हम समझ सकते हैं, समझ सकते हैं, हमारी भी हालत थी। बट आंटी ओपी इनकम का स्कोप भी है क्या? जी ब्रो बिल्कुल है, अगर आप ट्रेन करेंगे तो उसके बदले पैसे भी मिलते हैं, हमें भी मिलते हैं, बट क्या है कि थोड़ा स्ट्रगल बहुत है इसमें, और बन सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। इसको नया श्रीवास्तव, हमें डॉग चाहिए, आप हेल्प कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, जल्दी ही एक डॉग खरीद के ले जाओ। हाय फायर गेमर, हाय आर क्या लिखा है, आर थोड़ा हाई दिख नहीं रहा है, ये थोड़े ज़्यादा हाई हो गए आपके, हाय 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 वाला हाय हाय हाय। GSD फीमेल को टंग पे मार्क है, GSD फीमेल को टंग पे मार्क है, ये मोस्टली GSD में या फिर लेबराडोर के अंदर की साइड में ब्लैक मार्क होता है, तो नो प्रॉब्लम डॉग्स में हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन भी मिलेगा आप अगर करते। जी अभी तो नहीं कर रहे हैं सेल, बट जल्दी ही कुछ आपको नया आने वाला है, अब आप प्रॉपर टच में रहेंगे, क्योंकि एक ऐसा कुछ होता है ना, चेंजेस आते हैं तो बहुत सारे, कुछ ऐसा होने के बाद बहुत अच्छे से बैक आए अभी, नो प्रॉब्लम। हाँ भाई छोड़ो, बताओ क्या हुआ। ओके बताते हैं, ठीक है, तो जब चैनल बिना, आजकल ये आप लोग भी अगर एक यूट्यूबर हैं या फिर अपना कोई चैनल चला रहे हैं तो आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, इसको थोड़ा हल्के में ना लें, जैसे ही आपके पास लगे कि पासवर्ड चेंज हुआ है कैसे भी, ये हैकर इतने चालाक हैं कि कोई बिना आपको OTP सेंड किए आपके नंबर पे, बिना कुछ अंदर चले जाएंगे आपकी ईमेल आईडी को हैक कर सकते हैं, वो आपको OTP की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ना कोई बैकअप ईमेल की उनको ज़रूरत होती है, सारी चीज़ें कर लेते हैं बहुत ईजीली। थर्ड पार्टी आप कुछ भी यूज़ मत करना, थर्ड पार्टी में अगर आपने परमिशन दे दी तो फिर वो उनको एक्सेस मिल जाता है, इस तरीके से इन चीज़ों का ध्यान रखो। तो क्या होता है, यानी हम लोग कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किया और वहाँ क्या है, हम लोगों ने अलाउ कर दिया, नहीं देखा, एक तो पढ़ के करना है। एक चीज़ जो हो सकती है पॉसिबल और बता देता हूँ, कि जब भी हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं उस पे एड्स आते हैं तो वो वेबसाइट हमें कुकीज़ अपनी कुकीज़ के लिए बोलता है कि कुकीज़ अलाउ करो या ब्लॉक करो, अगर हमने अलाउ कर दी
तो फिर क्या होगा, वो एड्स डालने चालू कर देगा आपके नोटिफिकेशन के थ्रू। गलती से अगर क्लिक भी हो गया नोटिफिकेशन में तो आप उनकी साइट पे चले जाओगे, और कुछ डाउनलोड हो गया और इंस्टॉल हो गया तो उससे भी वो आराम से हैक कर सकते हैं। पूछा था इन्होंने, आर्मी रिटायर हूँ तो क्या इसमें स्कोप है? तो बिल्कुल है, और आप कर सकते हो उसके बाद पार्ट टाइम जॉब, एज अ जॉब कर सकते हो। जॉब ट्रेनिंग में इसका स्कोप बहुत है, अभी जल्दी हम लोग आप लोगों के लिए बहुत कुछ लाने वाले हैं। इसमें क्या है, अगर आप एक स्टूडेंट भी हो ना, मोर देन 12 ट्रेनिंग्स जानते हैं ये, बहुत बढ़िया। ये बाबर रिमूव हो जा रहे हैं कमेंट्स, वाई लाइव चैट, लाइव थी GSD फीमेल की प्योरिटी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वैसे ऑलरेडी हमने अपलोड की हुई है, मेल फीमेल में कोई इतना डिफरेंस नहीं है, बट अब जल्दी फिर रिन्यू करते हैं वीडियोस को। ओके, आर्यन त्यागी, इनको थोड़ी समस्या आ रही है। आई टुक योर कोर्स ब्रदर, आपका डॉग जो एग्रेसिवनेस, जो आर्यन त्यागी, आप पर्सनली हमसे मैसेज कीजिएगा, हम देखते हैं, ठीक है, चेक करते हैं, क्योंकि कोर्स लिया होगा तो उसमें आपको बताया गया होगा। ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स जो है ना, वो उसमें आप पर्सनली अपने घर पे सिखा सकते हो, जैसे हम लोगों ने बताया ही है उसमें, तो वो इसलिए होता है कि आप थोड़ा सा आप भी प्रोफेशनली ट्रेन हो पाएँ, डॉग को कैसे हैंडल करना है, आपके अंदर एक ऐसी बॉडी लैंग्वेज आनी चाहिए, आपकी होनी चाहिए, आपके साथ आपको कैसा अपना बिहेव रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी सिखाते हैं हम लोग। तो जब आप अपना बिहेव चेंज करते हैं, डॉग ऑलरेडी चेंज हो जाता है, ठीक है, उसमें इसलिए वो कोर्स होता है। कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही होगी तो आप कहीं ना कहीं, तो वो जो कोर्स में क्या रहता है, अगर थोड़ी सी, अगर आप थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे अगर, और थोड़ा टाइम देंगे अपने डॉग को, तो डेफिनेटली रिजल्ट आते हैं, ऐसा नहीं है। और बाकी जो अगर कोई कमी रह गई होगी वहाँ पे, तो आप मैसेज, आपके पास नंबर है तो मैसेज कीजिए वहाँ पे, वहाँ पर सॉर्ट आउट कर लेते हैं। इनकम होती है यार ब्रो, बताया मैंने, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये कैटेगरी ऐसी है कि यूट्यूब से नहीं होती, क्योंकि आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं हो। कंटेंट्स, माय कंटेंट्स, माय कंटेंट, ये ना, हेलो गाइस, हेलो हेलो, जस्ट वेट भाई, टंग पे मार्क है, होने से क्या होता है, टंग पे मार्क होने से कुछ नहीं होता है, जैसे आपके कहीं पे तिल भी होगा ना, उसके होने से कुछ नहीं होता, वैसे मार्क के होने से कुछ नहीं होता है। चैनल भी देखें एक बार, कितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं अभी। सब्सक्राइब भी करते जाइएगा, मैं चेक करता हूँ एक बार कितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। डिवाइन व्लॉग और SNN व्लॉग्स को सर प्लीज एक वीडियो इंडियन स्पिट्स पर बना सकते हैं? जी बिल्कुल बना सकते हैं, और प्रोबेबली कि कल ही उसको अपलोड करेंगे, कल या परसों तक कर दूँ। ऑनलाइन ट्रेनिंग फॉर फ्री ब्रदर, ये फ्री तो नहीं है, बट आपको ज़रूरत तब पड़ेगी ना इसको, जब आप हमारे वीडियोस के थ्रू नहीं सिखा पा रहे हैं। आप कोशिश तो कीजिए, वहीं से सिखा लेंगे, वो तो बाद की बात होती है, कोर्स ज्वाइन करना, जिसको अगर टाइम नहीं मिल पाता है पर्सनली वीडियो देखने का, तो हम लोग क्या करते हैं, तब उनको पर्सनली कोर्स होता है, उनके अकॉर्डिंग भेजते रहते हैं। वैसे आपको सर्च करनी पड़ेंगी, और जब आप लाइव क्वेश्चन पूछेंगे तो उसके आंसर मिलते हैं थोड़े आपके हिसाब से। वैसे जनरली हम कॉमन जो वीडियो बनाते हैं उससे भी काफ़ी आपको रिजल्ट मिलेंगे, वहाँ ट्राई कीजिए, वो फ्री है। अगर आप पर्सनली ज्वाइन करते हैं तो उसकी फीस लगती है, क्योंकि उसके लिए ना हम सारे सबको हम नहीं कर सकते, तो उसके लिए स्टाफ मैनेजमेंट सारी चीज़ें लगती हैं, तो आपको अंडरस्टूड है। कोशिश करते हैं फ्री में भी आपको बहुत कुछ। मैंने कर दिया सब्सक्राइब, थैंक यू ब्रो।
इसी चैनल पे बने रहना। अभी कल भी मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ इस पर। वैसे हम लोग और पूरा सिनेरियो जो हैकिंग का हुआ है पूरा मैं इस पर डालने वाला हूँ। हम लोग ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते हैं, नया चैनल बनाया है तो हम सोच रहे हैं आज में कम से कम 100 सब्सक्राइबर आप लोग कर दें। यूट्यूब पर रेगुलर वीडियो बनाओ। देखो रेगुलर हम लोग कोशिश कर रहे हैं व्लॉग में आपको बिहाइंड द सीन जो भी हो रहा है सब कुछ दिखाते जाए, और कोशिश कर रहे हैं वीकली आपको यूट्यूब इस पर अपने स्मार्ट डॉग ट्रेनिंग पे वीडियो मिलते रहे। तो पर्सनली आप उस पर कनेक्ट रहो सबसे ज़्यादा, उसमें बिहाइंड द सीन पे जो भी हो रहा है शूटिंग पे जा रहे हैं हर चीज़ होगी। ब्रो अगर आपको कुछ वीडियोस रेगुलर चाहिए तो हम लोगों से जुड़े रहना तो चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पे आ सकते हैं। और अगर जिससे जो भी पूछ रहे हैं साइंस है मुझसे तो पर्सनल वाले नंबर पे अभी कमेंट छोड़ते जाइए क्योंकि सबके पढ़ना बहुत तेज़ी से स्क्रॉल हो रहे हैं। तो ये दूसरी सारी आईडी पे सब्सक्राइब किया है आपने, वो डिस्क्रिप्शन खोली है उसमें आपको दो चैनल के लिंक मिलेंगे उनको खोलो, SN Vlogs और डिवाइन यूट्यूबर साहिल, डिवाइन यूट्यूबर बाइक बाइक। और SNN ब्लॉग स्माइल का ट्रेनिंग डालो, हंसते डालो डालते हैं चैनल पर रेगुलर वीडियो बनाएंगे। पर्सनली अगर पर्सनली आप कनेक्ट हो जाओ जल्दी हमसे एक दूसरे से जिससे जो पूछ रहे हैं आप वहाँ पर्सनल नंबर पे कमेंट छोड़ दीजिएगा अभी सब्सक्राइब करके, तो हम वहाँ पे सारे रिप्लाइज करेंगे। और किसी को वीडियो चाहिए हो तो वहाँ बता दीजिए। अभी 53 हो गए, अभी 51 थे 53 हो गए, ये जल्दी से 100 हो जाए। कोशिश करो जल्दी जल्दी, डिवाइन ब्लॉग्स है आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, फिर कल इस पर एक वीडियो आने वाली है और जल्दी ही मैं बिहाइंड द सीन दिखाऊंगा शूटिंग का। अभी हमारे 38 हुए सुनील SNN, 35 थे 3 किसी ने सब्सक्राइब किया, थैंक यू 3 थैंक यू 3 हमें पता है सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे अब। और थैंक यू आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया। 55 आपकी, मेरे दो बड़े आपकी वजह से ही। आपके कितने बड़े? 3 नहीं, 3 नहीं, 2 अभी बड़े हैं, मतलब 5 बड़े हैं मेरे। आपके देखो 3 बड़े हैं टोटल यार, ये पीछे रह गए 2 से। चलो वो ठीक है, कर लेंगे जिसको पसंद होंगे हम वो कर लेंगे, वैसे सभी प्यार करते हैं हमें पता है, सभी करेंगे। ये 2 से पीछे रह गए -2, अब दिखाओ 39। चलो नीलामी नहीं हो रही है एक दूसरे की बोली लग रही है बोली 100 सब्सक्राइबर की बोली लगी आज। अब हम ऐसे ही मिलते रहेंगे जल्दी जल्दी। और अगर किसी को कुछ जर्मन शेफर्ड प्योरिटी चेक कैसे करें, देखिए मेनली वैसे हमने वीडियो डाल रखी है बट मैं आपको बता दे रहा हूँ जर्मन शेफर्ड की सिंपल सी पहचान है। जब आप छोटा बच्चा लाइएगा मत, कम से कम 2 महीने का लाइए, उसमें 2 फायदे रहेंगे, मदर फीडिंग ज़्यादा मिलेगी तो डॉग इम्यूनिटी ज़्यादा होगी, उसके कान जो नीचे गिरे होते हैं वो स्ट्रेट मिल जाएंगे आपको ऐसे, उसकी एक पहचान टेल लंबी होनी चाहिए जर्मन शेफर्ड की नीचे को झुकी हुई और ऐसे बस राउंड नहीं जाएगी, स्लोप जितना ज़्यादा होता है जर्मन शेफर्ड में उतना अच्छा होगा। ये ट्राई कलर में भी हो सकता है, वैसे 2 ही कलर होते हैं ब्लैक एंड टैन, ठीक है, तो ब्लैक पूरी बॉडी का शेप होगा और वो पैरों की तरफ टैन कलर होता है। और तीसरा कलर हो सकता है वाइट की मार्किंग हो सकती है ना कि पैच, ओके पैच नहीं होगा ब्राउन और टैन वालों के बीच में। और बाकी आप गूगल से फ़ोटोज़ निकालेंगे जब पप्पी की और बाकी प्योरिटी की वीडियो देखेंगे, बस 2-3 पॉइंट देखने होते हैं, बस यही चीज़ देखिएगा और पता चल जाएगा आपको। फेस जो होता है थोड़ा सा लंबा होता है, ईयर स्ट्रेट रहते हैं, 2 महीने में अच्छी क्वालिटी के पप्पी के कान खड़े हो जाते हैं। बाकी पेट लवर हैं आप तो एडॉप्ट भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। आई हैव जर्मन शेफर्ड क्या है भाई स्माइल ट्रेनिंग, अब बिल्कुल ब्रो जल्दी वीडियो डालते हैं और यही हमारे चैनल पे मुझे पर्सनली डाल दीजिएगा जिससे कि मैं भूलूँ ना, याद रहे मुझे क्योंकि बहुत सारे लोग मांग रहे हैं। हाँ कितने टाइम में सिखा सकते हैं डॉक्टर ट्रेनिंग, किसी ने पूछा है। हेयर फॉल चेक करना कि अगर हाथ फेर रहे हैं तो थोड़ा सा हो रहा है या फिर हाथ फेरने में आपका फर पूरा निकल जाता है, दोनों में फ़र्क है। ये पूछ रहे हैं उनका डेयरी फॉर्म सर कितने टाइम डॉग की ट्रेनिंग कर सकते हैं, आपको आधा घंटा
वैसे तो 10 मिनट काफ़ी होती है डॉग की ट्रेनिंग, आधा घंटा कर सकते हो मैक्सिमम, बट गर्मी आ रही है तो 10-15 मिनट से ज़्यादा का सेशन ना रखें डेली, बोर नहीं होना चाहिए डॉग जब कमांड अच्छे से कर रहा हो उसी समय ट्रेनिंग अपने मन से बंद कर। एयरफॉल का मैंने बताया आपको, दो ही रीज़न होते हैं, एक साइक्लिक एयरफॉल होता है जो रेगुलर बेस पे होता रहता है तो वो उसको रोक नहीं सकते, जर्मन शेफर्ड में ज़्यादा होता है ये, और बाकी किसी रीज़न के एलर्जी की वजह से, तो स्किन को चेक करते रहिएगा आप उसकी। स्माइल की वीडियो डाल देंगे, जरूर डालते हैं, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है स्माइल की तो डालते हैं। फिलहाल तो चैनल आ गया तो हमारी स्माइल ज़्यादा आ रही है, कल से तो बिल्कुल ये कंडीशन थी कि बस 5 साल की मेहनत और यूं ही जा रही थी, बट आप लोगों ने जो प्यार दिखाया कल ना कमेंट करके, तो यूट्यूब को भी वो चीज़ पता चल गई बहुत जल्दी, और चैनल को वहाँ से टर्मिनेट कर दिया था जिससे कि वो कुछ और कर ना पाए। 57 हो गए हैं, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाओ और चैनल देख लो। 41 इज हियर, 41 मतलब 6+6+ हो गए बराबर, इनको भी नहीं देगी प्यार, हमारा बराबर प्यार बटना चाहिए, प्यार का एक वो ना स्केल देख रहे हैं। वाओ ब्रो, क्या डाइट, वाओ ब्रो किस चीज़ के लिए, वाओ कौन बोल रहे हैं, वाओ ब्रो जिद्दी शॉट, बेस्ट डाइट फॉर जर्मन शेफर्ड डियर, जर्मन शेफर्ड सेंसिटिव डाइजेशन वाला डॉग होता है, उसको बहुत जल्दी कोई चीज़ हजम नहीं होती है, अगर डाइजेशन उसका अच्छा रखना है तो आप मिल्क प्रोडक्ट कम से कम दें उसको। तड़का लग गया तड़का नहीं, वो बर्तन धुल रहे हैं पीछे। बेस्ट डाइट इंडियन स्पिट्स तो घर की डाइट में बहुत अच्छे रह सकते हैं, उनको ज़्यादा मसालेदार और फ्राइड नहीं देना है, और थोड़ा राइस कम रखिएगा खाने में, वीट का भी थोड़ी कम मात्रा रखिएगा, रोटियाँ भी दे सकते हैं उसको, नो प्रॉब्लम, थोड़ी ज़्यादा मात्रा में नहीं, अगर दिन में 2 रोटी खाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी हम लोग इन चीज़ों पर वीडियो बनाते रहेंगे, आप मुझे पर्सनली बताते रहिएगा ठीक है चैनल पर, तो वो चीज़ मैं बताता रहूँगा, ध्यान में रखूँगा। नहीं अभी जिम जाना, आंटी चाय के लिए पूछ रही है अभी ना, चाय के लिए पूछ रही थी लेकिन हमें अभी वर्कआउट करना है, आप लोग भी बुला सकते, मम्मी सबको बुला रही हैं चाय पीने के लिए, तो सब आ जाओ यूट्यूब से निकल के। ब्रो नंबर काउंटिंग कोर्स भी सिखाते हो क्या डॉग को ऑनलाइन कोर्स में, ब्रो सिखा देंगे, उसमें ट्रिक्स होती हैं वो सिखाई जाती हैं, जो आप सेलेक्ट करेंगे ना कोर्स में ज्वाइन करेंगे तब आपको लिस्ट प्रोवाइड की जाती है काउंटिंग, जो अपने डॉग को आपको सिखानी है तो वो सिखा सकते हो, दोनों कर लिया सब्सक्राइब, थैंक यू ब्रो, थैंक यू। अभी जिन्होंने नहीं किया है जल्दी से डिस्क्रिप्शन में 2 आपको चैनल मिलेंगे, वो व्लॉगिंग डेली व्लॉगिंग करना चालू करेंगे, जैसे हम कहीं शूटिंग के लिए जाते हैं तो शूटिंग के जाते वक्त बिहाइंड द सीन क्या होगा, डॉग से मिलाएंगे हर एक से, क्योंकि वैसे हम लोग वीडियोज़ डालते हैं उसमें नहीं हो पाता है, तो हम बिहाइंड द सीन क्या क्या है सब कुछ इन 2 चैनलों पर डालने वाले हैं, तो ये दोनों चैनलों का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, इनको सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप ट्रैवलिंग भी पसंद करते हो, बाहर घूमना पसंद करते हो, बाइक राइडिंग पसंद करते हो, पसंद तो हमें भी है बट स्पोर्ट्स पसंद करते हो, मतलब हर कैटेगरी जो आप पसंद है, एडिटिंग पसंद है आपको A to Z, तो आप डिवाइन व्लॉग पर जाइए और SN व्लॉग पर जाइए। हम तो बस पर्सनल लाइफ के बारे में ही आपको बताएंगे, और जो रूटीन लाइफ में जो चलता है, कैसे आपकी चीज़ें काम आने वाली हैं, क्या चीज़ हम फेस करते हैं एज अ यूट्यूबर या फिर जो लाइफ चल रहा है, सब बताने वाले हैं। अभी मेरी एक टूर होने वाला है जागेश्वर का 1 तारीख का, तो जल्दी से डिवाइन व्लॉग पे सारा टूर आने वाला है, और हैकर का भी, हैकर वाली वीडियो भी मैं लाने वाला हूँ पूरी, मैंने शूट की। सुनील भाई पता लगाओ हैकर का, बिल्कुल ब्रो अभी जल्दी पता चल जाएगा, हैकर का आपको नंबर भी दे दूंगा ठीक है, वो मेल आईडी भी दे दूंगा जिसने किया था, पूरी इंफॉर्मेशन निकाल ली थी मैंने, ये देखिए कहां से क्या हुआ है, प्रोसेस से किया हुआ है, हर चीज प्रोसेस से किया हुआ है, व्लॉग में आपको सब दिखाऊंगा, आप चैनल पे जाओ, अगला वीडियो में वही डालूंगा, और उसके बाद मेरा जागेश्वर टूर आ रहा है वो पूरा डलेगा उसके ऊपर। तो हैकर इतनी मेहनत करी हमने, वो फ्री में आके ले जाते हैं सब कुछ, हम रात भर हम वैसे ही परेशान हॉस्पिटल में, वाइफ को थोड़ा सा वही एक ऑपरेशन और सर्जरी हुई है उनकी छोटी सी, तो इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब था, और वीडियोस भी नहीं आ रही थी,
बट अब रेगुलर आएंगे और उसमें एक टेंशन और दे दी इसने। फ्री में ये बहुत एकदम से ऊंचाइयां छूना चाहते हैं ना हैकर। आई विश आपके जल्दी से 1 मिलियन हो जाए। थैंक यू ब्रो, अगर ऐसे ही आप जुड़े रहेंगे तो बिल्कुल जल्दी ही हो जाएंगे। नीरज, नीरज नीरज जी ये क्या बोल रहे हैं, ये याद रखना, इन्होंने बोला SSN का 42 वा सब्सक्राइबर बनाऊं और डिवाइन का 53। ठीक है, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। इसको स्क्रीनशॉट सेव करके रखते हैं और हम आपका लगाते हैं। हमने इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं इसका। लीजिए, इसको मैं ज़रूर लगाऊंगा और ध्यान रखेंगे इसको। कितनी एज तक कर सकते हैं ट्रेनिंग ब्रो? देखिए, आप कुछ ब्रीड के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ ब्रीड 2 साल में भी सीख जाती हैं। लैब्राडोर उसमें कॉमन है या गोल्डन रिट्रीवर, बट जो नॉर्मली सीखने की परफेक्ट एज जो होती है ना, डॉग को आप 15 महीने के अंदर अंदर ट्रेन कर लें तो बेहतर रहता है और जल्दी सीखता है। और 3 महीने से लेकर 9 महीने की एज फास्ट लर्निंग एज होती है, इसमें आपका डॉग बहुत तेज़ी से सीखता है। बहुत तेज़ी से वो मेरे ख्याल से ऊपर तक जाएगा ना यहाँ। ब्रो हम उत्तर प्रदेश बरेली से हैं, सुशांत जी उत्तर प्रदेश बरेली से, फ्रॉम वेयर वी कैन बाय योर कोर्स। आप हमें ना हमारी वीडियोस में जाइएगा या डिस्क्रिप्शन में भी हमें अपने नंबर दे रखे हैं, व्हाट्सएप किसी नंबर पे भी हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स लिख के भेजना है, आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। पिटबुल को दे सकते हैं ट्रेनिंग? हाँ दे सकते हो ट्रेनिंग, बिल्कुल दे सकते हो। अंडर एज है अगर ट्रेनिंग में है तो वो दे सकते हो। मेनली हमारा फोकस रहता है ना डॉग को, ना कि कमांड सिखाना, उसका बिहेवियर सुधारना। तो इसके लिए भी हम जल्दी ही बहुत कुछ लाने वाले हैं, सीरीज लाने वाले हैं। चैनल हैक कैसे हुआ था स्टोरी बताओ, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर डिवाइन ब्लॉग और SSN ब्लॉग है, उनको सब्सक्राइब कर लो। अगली वीडियो में यही लाने वाला हूँ कि कैसे हैक हुआ, क्या क्या हुआ, ए टू जेड फॉर एक्सप्लेन। भाई साहब पूरा एक तो एक दिन पहले से नहीं सोया मैं, और पूरा 4 बजे हम लोगों का नींद नहीं आई, नींद एकदम से उड़ गई थी और आंखों में नींद रात को आ रही थी बहुत तेज। बट क्या जैसे सुना देखा ना कि चैनल उड़ गया है, तो नींद ही नहीं आई जब तक हमारा जीमेल अकाउंट रिकवर नहीं हो गया। हम लोगों से किसी को चैन नहीं मिला, ये तो हालत खराब हो गई। मैं तो थोड़ा सोने की मैंने सोचा कोशिश कर लूँ, जब फ़ोन काटने के बाद एक दूसरे से कॉल पे टच में थे, मैं हॉस्पिटल में था, ये घर पर कर रहे थे अपने PC पे जो भी काम। मोर देन 1 ईयर से देख रहे हो आप चैनल, थैंक यू। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। अभी भी देखो 60 सब्सक्राइबर हुआ है, घर पर ट्रेनिंग का कितना 100 सब्सक्राइबर करना है पूरा, जल्दी से जल्द कर दो। बताओ बता क्या लगा करते हो ब्रो? अगर आप उत्तर प्रदेश यहाँ बरेली में हमारी सिटी में है तो आप हमें एक मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैसेज डाल दीजिए, मैं आपको चार्ज बता दूंगा। डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कितना दूर है आपका घर हमारे सर्कल एरिया से। बाकी आपको अगर बरेली से बाहर हो तो ऑनलाइन ही आपको ज्वाइन करना होगा। रॉटविलर बार्क नहीं करता और रॉट ब्रो मोस्टली जो रॉट का नेचर होता है ना बार्क कम करते हैं, अटैकिंग नेचर ज़्यादा होता है, बट नॉर्मली अटैक नहीं करता है। ठीक है, माइक्रोवेव से स्ट्रीमिंग कर रहे थे, अच्छी क्वालिटी। माइक्रोवेव व्हाट माइक्रोवेव माइक्रोवेव क्या क्वालिटी क्या वैसी आ रही है क्या धुंधली? ओ लग रहा है मुझे अब थोड़ा सही हुआ लग रहा है। देखो ये गंदा था यहाँ से कैमरा, मैं पता नहीं चला, कैंसिल कर दोगे? अरे 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 बाहर बच गई अभी अभी लाइव स्ट्रीम रुक जाती क्या? दोनों चैनल सब्सक्राइब कर दिया, वरुण शर्मा बढ़िया बढ़िया, उस उन चैनल पे बने रहो, कल वीडियो आएगी हैकिंग कैसे हैकिंग हुई कैसे क्या हुआ हर चीज बताता हूँ मैं A to Z। 43 सब्सक्राइबर हो गए मेरे, लैब की वीडियो बनाओ ट्रेनिंग की ब्रो जल्दी आएगी लैब की, और एक सीरीज भी ऑलरेडी अपलोडेड है आप वहाँ चेक कीजिए, एलेक्सा की सीरीज है। लैब भाई जवाब दो प्लीज, सवाल करिए। हाँ सवाल क्या है? सवाल भाई जवाब दो प्लीज़, ये है सवाल इनका। भाई 3 महीने से रॉटवेलर घर पर रहता, वो बहुत एग्रेसिव हो गया है, प्लीज़ कोई सोल्यूशन बताओ। 3 महीने
से 3 महीने का है या 3 महीने से रह रहा है, उसकी एज एग्जैक्ट अभी क्या है वो बताइए प्लीज़। सौरभ सिखावर, देखो हम लाइव हैं अभी। इंस्टा अकाउंट आप स्मार्ट डॉक्टर लिंक लिखनी है तो आ जाएगा। पर्सनल अकाउंट भी आप फॉलो कर पर्सनल सकते आप हैं। स्मार्ट डॉक्टर लिंक पर जाइए, उस पर सब लिंक्स दे रखे हैं। पर्सनल पे भी जा सकते हो आप और पब्लिक वाला भी। एक और चैनल है क्या आपका? हाँ डिस्क्रिप्शन में जाओ, दो चैनल हैं इनका और मेरा, और दोनों पे हम लोग व्लॉग्स अपलोड करना चालू कर रहे हैं। मैंने फ़िलहाल अभी 3 अपलोड कर दिए ऑलरेडी, और भी मैं कल हैकिंग कैसे हुई क्या हुआ वो सब डालूंगा। उसके बाद अभी जागेश्वर का टूर आने वाला है, पूरे टूर में अपलोड करने वाला हूँ। तो बाइक राइडिंग भी रहेगी उसमें। अब मैंने मनाली के व्लॉग की वीडियो डाली, थर्ड वीडियो जल्दी आने वाली है उस पर, ऐसे नए व्लॉग पे। तो अगर आप वहाँ जो भी देखना है आपको देख सकते हैं, जितना हमने एंजॉय किया नॉर्मली बताने की कोशिश की है। बट जल्दी बाइक का रिकवर होते ही सर्जरी के बाद, तो पर्सनल लाइफ के वीडियोस हम लोग बना के आपको दिखाने वाले हैं। और ऑफिस का टूर भी डालेंगे, एक स्मार्ट डॉक ट्रेनिंग के ऑफिस का प्रॉपर आपको पूरा सेटअप दिखाने पूरा वाले हैं हम सेटअप लोग। दिखाएंगे अच्छे से। फिलहाल थोड़ा बहुत मैंने दिखाया है अपनी पहली वीडियो में, आप पहली वीडियो देख सकते हो मेरे चैनल पर डिवाइन वाले पे, उसमें हम। ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं हम लोग आप लोगों के बीच में हाँ सब कुछ, ट्रांसपेरेंसी रहे तो ज़्यादा बेटर है हर चीज़ को लेके। क्योंकि आपकी वजह से ही हम हैं। अरॉट, इन्होंने फिर कुछ बोला है भाई, कैसे करें डॉग को सोशलाइज। डॉग को सोशलाइज करने का सबसे अच्छा तरीका वही है, आप वॉक कराइए उसको अच्छे से और पार्क वगैरह में डेली लेके जाइए। जागेश्वर टेम्पल का अच्छे से वीडियो डाल देना, दर्शन हो पहले जाएंगे घर से बैठे। आप पूरा आप टूर देखना, मज़ा आ पहले से जाएगा सीखा होता है अपना ज़बरदस्त। डॉग को, और अभी जो व्लॉग डाले हैं वो ये डेली पहले व्लॉग से डाल रहा सीखा हूँ नहीं अभी। होता है डॉग हमारा, हम लोग सिखाते जब है ना, जैसे अगर आपको समझ में आ पाए, अगर आपको रॉ वीडियोस चाहिए बिल्कुल सिखाते टाइम की, तो वो भी हम लोग बनाना जल्दी स्टार्ट करेंगे। आप बट मोस्टली व्लॉग पे ऐसा जाओ बनाते ना हैं फिर, आपको समझ में आ जाए। अब व्लॉग में सब आप कवर होगा। एक चीज़ 6 वीडियो में जो हमने सिखाई गई है वो 1 में कवर करते हैं, इससे आपका टाइम बचे, क्योंकि अब वही आप बोर ना वीडियो, हो। वही वीडियो 5 मिनट में कवर करनी है। अब वही वीडियो जब तो 5 मिनट 15-20 मिनट में की होगी फिर इशू बैठेगा ना, तो इसलिए आप भाई मेरा डॉग कमांड नहीं व्लॉग्स में सब सुनता। कवर करूँगा मैं सब। कार्स के लिए, कार्स एटीट्यूड, अच्छा कमांड नहीं सुनता है, तो उसको थोड़ा ना ट्रेंड कीजिएगा, ठीक है, सुनने लगेगा प्रॉपर। आपको उसको टाइम देना है थोड़ा, और ट्रीट वगैरह भी यूज़ कीजिए, आप हो जाएगा ठीक। डिड यू हैव वाईफाई? बाकी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। वाईफाई तो है। कि स्ट्रीमिंग अटक रही है क्या? कैसे रिकवर हुआ चैनल, वो भी एक शॉर्ट में बता दीजिएगा, बाकी जो डिटेल में है वो वहाँ रॉ दिखा वीडियो में लेंगे। एक, हाँ वीडियो रॉ ही बनेगी प्रॉपर। आप व्लॉग वाले चैनल पे आओ फिर आपको मैं हर चीज़ प्रॉपर दिखाता हूँ। लैगिंग, ओके लैगिंग प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो शायद आपका नेटवर्क एक बार चेक कर लीजिएगा वहाँ आ रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो, कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो। ये कौन बोल रहे हैं न्यू चैनल के लिए, थैंक यू वरुण जी। वरुण भाई थैंक यू। हाँ चैनल हैक हो गया था और अभी रिकवर हुआ है तो आप रिकवर हो लाइव गया आए है हैं तो हम फिर, लोग इसलिए आपसे मिल लें। क्योंकि गूगल अकाउंट भी चला गया था, उसने हैकर ने अपना नंबर रिकवरी ईमेल हटा दी। जो क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे जो हम सिक्योरिटी क्वेश्चंस डालते हैं वो हटा दिए, हर चीज़ हटा दी थी, और अपना नाम भी चेंज कर दिया था चैनल का, और DP भी हटा दी थी। कल वो लाइव भी आया था, बहुत कुछ हो गया कल से, दुनिया इधर से उधर हो गई थी। अभी सब्सक्राइबर जो है, मम्मी रात में उठे बोले ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने चाय बना के दी फिर। मैंने सुना था आंटी कह रही चाय पी लो साइंस से नहीं रात में। पर्सनल
44 सब्सक्राइबर हो गए मेरे अभी, यहाँ 9 सब्सक्राइबर इंक्रीज हुए इतनी देर में। थैंक यू। आपको सब्सक्राइब ही नहीं करना है, कमेंट भी करना है, वीडियोस को देख के लाइक भी करना है, ठीक है? मैंने ये वाली वीडियो देखनी है, उसके बाद वो देखनी है। ये कौन बोले भाई, आपको बादल भंडारी सर का पता है, उनसे टिप? ब्रो पता है हमें, जब हम आए थे उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया है, हमें सुरेश से सारी चीज़ें पता है। अच्छा सिखाते हैं, बढ़िया है, बढ़िया बताते हैं, सिखाने का मतलब गाइडेंस देते हैं वो। हमारा ट्रेनिंग चैनल है तो हम डॉग ट्रेनिंग देते हैं और वो गाइडेंस देते हैं, एज ए जैसे पेट शॉप है, उनको जो भी नॉलेज है अपने हिसाब से तो वो उनके बारे में बताते हैं डॉग के बारे में। सब अपनी जगह बढ़िया है, सब यूनिक है, और हम लोगों का अलग कैटेगरी का थोड़ा सा, हम लोग प्योरली ट्रेनिंग देना चाहते हैं, हर जगह से नॉलेज लो, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ भी सब देखो, आपको ट्रेनिंग वहाँ से मिल रहा है तो वहाँ से टिप लो, क्योंकि डॉग ट्रेनिंग का कोई फिक्स रूल नहीं है, हर जगह से थोड़ा सीखना जरूरी है। जैक एंड जिल कैसे हैं पूछ रहे हैं, वेयर आर जैक एंड जिल? वो ठीक है, उनकी वो थोड़ा दूर थे यहाँ से, तो जैक के पैर में फ्रैक्चर हुआ था, उसके बाद तो रिकवर हो गया है, और किसी वजह से उनकी वीडियो नहीं बन पाई थी, तो वो अब ठीक है, अब मौका लगेगा कभी तो हम बताएंगे उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में। मेरे घर में छोटा बेबी है और डॉग, उसके साथ कैसे रखूं, मतलब वो बहुत भौंकता है। ओके, जब आप वॉक पे लेके जाएंगे तब अपने अपने बेबी को गोद में लेके, और शायद साथ में किसी को ले जाना, वो डॉग को लेके जाएंगे तो साथ में ज़्यादा आसपास में रहने की कोशिश, अकेला मत छोड़ना बेबी को डॉग के पास, बट जब भी रहो तो साथ में रहो, बट डॉग को प्यार ज़्यादा करो, और उन डॉग को पता चले कि ये भी एक मेंबर है, तो धीरे धीरे वो समझ जाएगा, ठीक है? और कभी भी क्या हो, बॉबी बॉबी हाँ, तो क्या होगा ना, जैसे बच्चे के हाथ में बिस्किट दे दिया था, कभी बिस्किट खाने को डाल दिया, तो धीरे धीरे वो उसका दोस्त हो जाएगा, ठीक है? तो ट्रीट करवाते रहिएगा, हाथ में जैसे मुँह में हाथ उसका नहीं देना है आपको, रिकवर एक कब डाल देना है बिस्किट। तक हुआ था आपका रिकवर? अभी हुआ है चैनल थोड़ी देर पहले। हाँ, जब रिकवर हुआ उसके एक घंटे के बाद हम लोग यहाँ आ गए लाइव। ओके, हम भी नॉलेज दिया करेंगे जितना है हमें, वो भी हम बताएंगे आपको, कोशिश रहती है बताया जाए, बट जल्दी स्टार्ट करते हैं वो भी, चलिए आपके रिक्वेस्ट पे जैक एंड जिल की वीडियो बनाते हैं। डियर पेट ट्रेनिंग के लिए वैसे तो मैंने वीडियो डाल रखी है, बट उसमें ऐसे यहाँ पे आंसर पेट ट्रेनिंग कैसे सिखाएं उसके लिए वीडियो बनाना पड़ेगा, वो हम बताते हैं बाद में, ठीक है? आप हमें पर्सनली भी बताते रहिए इन वीडियोज़ के बारे में, रिमाइंड करा दीजिएगा वहाँ। हील ट्रेनिंग, ओके, सिट ऑन हील जो होती है, जब भी डॉग कहीं घूम रहा होगा आप बोलेंगे हील तो आपके पैर के पास आके बैठ जाएगा। लीव ट्रेनिंग के ऊपर वीडियो डाल रखी है, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत बता देते हैं। जैसे आप कोई ऑब्जेक्ट अपने डॉग को पकड़ाते हैं और उससे आप बोलेंगे लीव करने के लिए, छोड़ने के लिए, तो तब लीव ट्रेनिंग यूज़ की जाती है। तो आप उस टाइम पे ट्रेनिंग ट्रीट्स का प्रॉपरली यूज़ करेंगे तब आप लीव सिखा पाएंगे। अभी भी मीडिया व्यू वाले मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने बहुत हेल्प की है कि कैसे चैनल वापस आए, तो अभी उनका मैसेज आया था मेरे पास, तो मीडिया क्यूब को एक थम्स अप लाइक। तो
क्योंकि ये इतनी सपोर्टिव टीम है, हालांकि है मीडिएटर ही है बट काफ़ी इन्होंने हेल्प करी है हमारी, बहुत हद, इनकी वजह से ही हमारा चैनल वापस भी आया है। डाउन ट्रेनिंग नीचे बिठाने के लिए है, डाउन ट्रेनिंग जो होती है नीचे आपने देखा होगा डॉग पहले हाथ ऐसे करके बैठ जाता है, उसके बाद पैरों को आगे करके बैठता है तो वो डाउन पोजीशन होती है। ओके, प्लेइंग विद डॉग ऑल वीडियोस, ओके क्लियर, जल्दी ही बनाते हैं, धीरे धीरे जितनी वीडियो हमें याद रहती जाएंगे हम बनाते जाएंगे, आप पर्सनली भी बताते जाएगा चैनल पे, हम लोग जैसे जैसे कमेंट पढ़ेंगे उनको ना तो जल्दी रिमाइंडर रहता है। आप प्रॉपर आने वाले हैं और कोशिश करेंगे लाइव वीकली आपके पास एक वीडियो भेजते हैं, लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग करते जाएंगे। खट्टा हो रहा है आज, क्या हो रही है, जर्मन शेफर्ड फूड डाइट। ओके यार, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए अगर आपको डाइट चार्ट चाहिए तो हम, ये हमारी डाइट है, छः महीने के डॉग के लिए डाइट चार्ट ऐसे ही आपको प्रोवाइड कर देते हैं, तो आप कोई भी डाइट चार्ट देख के भेजेगा तो उसको डाइट चार्ट मिल जाया करेगा आपसे, ठीक है, बोल देंगे हम लोग टीम को, जब भी आप हमारे नंबर पर मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पर डाइट चार्ट लिख के और डॉग की एज लिख के तो आपको मिल जाया करेगा। नंबर वीडियोस के अंदर पड़े हैं, आप उन पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके डियर पिटबुल ना हमारे यहाँ कम पाले जाते हैं, तो ट्रेनिंग जैसे हिसाब से मिलती जाती है हम वीडियो बनाते रहते हैं, जैसे ही पिटबुल आएगा ट्रेनिंग बनाएंगे। ओके अब इंस्टाग्राम पे चलें लाइव, हम थोड़ी देर में इंस्टाग्राम पे लाइव आने वाले हैं, तो जो भी अपनी क्वेरीज हैं वो इंस्टाग्राम पे करना, और जो डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक दे रखे हैं स्मार्ट डॉग्स ट्रेनिंग, उनको भी सब्सक्राइब कर लो आप, इंस्टाग्राम को आप अभी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे हम लोग लाइव आएंगे, जिसका भी जब भी मन होगा तो साहिल या हम जब भी टाइम मिलेगा लाइव में मिलते रहेंगे। ये भी करेंगे ना उसमें कि हम वीडियो कॉल के थ्रू बात भी कर सकते हैं, मतलब बीच में ऐड कर सकते हैं। एक जाते जाते दो तीन क्वेज हैं वो मैं करना चाहूँगा आपसे, क्या आप लोग बता सकते हैं, मैंने पिछली स्टोरीज में पूछा था कि दुनिया की सबसे छोटी डॉग ब्रीड कौन सी है नस्ल इस समय प्रेजेंट में, देखते हैं कितने लोगों के आंसर सही आते हैं। चिहुआ हुआ ये ने बताया, सुशांत गंगवार, सिद्धांत गंगवार बिल्कुल, आदित्य राज पूडल, पॉकेट डॉग, ओके पीयूष कुमार चिहुआ हुआ, पीयूष भाई यू आर राइट, देख तो ले पहले कितने अब सब कुछ आने लगे अब यस ये हुआ हुआ है अब सभी ये हुआ करेंगे इनको सही ये हुआ हुआ है, और इस समय दुनिया की सबसे बड़ी डॉग नस्ल कौन सी है, देखते हैं कौन सही बताता है, फाइनल आंसर बाद में मिलेगा, नाम सबके पढ़ते जाएंगे किसने सही बताया ये गलत बताया, पढ़ेंगे सबका जो भी आएगा। इंग्लिश मैस्टिफ ये ना 6F20, गौरव सेठ टोक्टन मैस्टिफ, OMG निमित सेंट बर्नार्ड, वरुण जी टॉय पूडल तो निकल गया वो तो चीवा हो गया वो चीवा हो चुका अब थोड़ा ब्रीड्स पे आ जाओ, मतलब अरॉट बोल रहे हैं तिब्बतन मैस्टिफ, अरॉट तिब्बतन मैस्टिफ, पीयूष कुमार इंग्लिश मैस्टिफ, पीयूष कुमार इंग्लिश मैस्टिफ, दोनों
चैनल सब्सक्राइब कर लिया, थैंक यू। अगर अब तक आपने नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक दे रखे चैनल के, आप कर लो। एक चैनल का लिंक दे रखा है डिवाइन व्लॉग्स का, एक दे रखा है एसएसएन व्लॉग्स का, दोनों डिस्क्रिप्शन में डिप करके तो मैं बता दे रहा हूँ, इस समय सबसे बड़ी डॉग नस्ल है वो है ग्रेट डेन, और किसी ने भी लिख के नहीं भेजा। मैं वेट नहीं पूछ रहा हूँ, डॉग ग्रेट का सबसे बड़ी डॉग नस्ल है, हाइट में सबसे ज़्यादा है इस समय ग्रेट डेन। एक टाइम में हुआ करता था आयरिश शेटर, उसका वज़न उसके नाम में वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 2 क्विंटल के करीब था वो डॉग, बट अब वो ब्रीड सर्वाइव नहीं करती, एग्जिस्ट नहीं करती, वो ख़त्म हो चुकी है। जो लार्जेस्ट है वो है इंग्लिश मैस्टिफ, और जो बिगेस्ट है, हमने बिगेस्ट की बात की है, वो अपना ग्रेट डेन है। सबसे बड़ी लार्ज में ठीक है इंग्लिश मैस्टिफ, ना कि हैवी। इसका वेट बहुत होता है इंग्लिश मैस्टिफ का। ओके अच्छा, कोई ऐसी डॉग ब्रीड बताइए जो कभी भौंकती नहीं है, देखें किस किस को पता है। डॉग है बट कभी भौंकता नहीं है, अजीब बात है ना ये, कहते हैं कुत्ते का काम है भौंकना, बट ऐसा नहीं है, वो भौंकता नहीं है, डॉग भौंकता नहीं है। गुड्डा है क्या, देखते हैं किसको पता है। गुड्डे वाला डॉग, नीचे कमेंट आ रहे थे, हम ऊपर ही अटके हुए थे, देखो आप आए। केन कोर्सो, गुड नाइट वेवर भाई, गुड नाइट, गुड नाइट। चिहुआवा तो कब का हो गया अब? चिहुआवा सबसे बड़ा नहीं, सबसे छोटा है। बिल्ली क्या है, बिल्ली डॉग है। कर लिया तो भी अच्छी बात है, पता होना चाहिए यहाँ राइट। हमारा मेन मकसद तो ये है, आपको नॉलेज मिलती है कहीं से भी, जब आप किसी कैटेगरी में अपने टाइम दे रहे हैं। भाई मैसेज लेट जा रहे हैं आपको, तो हाँ थोड़ा इशू हो रहा है मोबाइल में भी, इसमें होता है लेटेंसी का फ़र्क। अब आगे कोशिश करेंगे कि लैपटॉप के थ्रू स्ट्रीमिंग की जाए। ओके फिर नई क्वेरी और नई नॉलेज के साथ मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रीमिंग पे, तब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब कर लीजिए आप अभी सभी लोग हमारे चैनल को। इसको भी अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नए नहीं हो तो नए वाले को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, दोनों नीचे डिस्क्रिप्शन में। इंस्टाग्राम पे आने, इंस्टाग्राम पे आओ जल्दी से, मेरा भाई है, मेरा भाई है। सबसे बड़ी डॉग ब्रीड या छोटी या फिर भक्ति नहीं है, तीनों में से कौन सी? अरे पीयूष कुमार जी ऐसे भाई के साथ मजाक नहीं करते, भाई भाई होता है, भाई डॉग कब से होने लगा। उस भाई को तो सबके सामने अपने भाई को लाइव स्ट्रीम दिखाना। चलो छोड़ो, दूसरा देखते हैं। चलो इंस्टाग्राम पे, तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम पे। Thank you. Mm-hmm.